अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मेरा नाम अब्दुल कय्यूम इदरीसी है। क्या खेत लेके गिरवी उसमें खेती की जा सकती है, और जबकि खेत मालिक इजाज़त दे दे कि आप खेती कर सकते हो, और जबकि इसका इत्तेफाक भी गवाहों के बीच में हुआ है और इसकी लिखा पढ़ी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हुई है। भाई साहब का कहना है कि खेत अगर गिरवी हमने लिया है, गिरवी का मतलब क्या होता है कि आपने किसी शख्स को कुछ दिया है, कोई रकम दिया, मान लीजिए आपने 40-50 लाख किसी को दिया है, उसके एवज में उसकी कोई चीज़ आप अपने पास रखना चाहते हैं। तो अगर उसने खेत आपको गिरवी दिया, याद रहे खेत गिरवी देने का तरीका ऐसे नहीं खड़ा होकर बोल दिया है तुम्हारे नाम गिरवी है, बल्कि उसके जो कागजात हैं सब पेपर आपके हवाले कर दिया। असल यही होता है गिरवी, यानी ऐसी चीज़ दी जाती है गिरवी में जिस पे आप कब्जा जमा सकें अगर आपका माल उसने वापस नहीं किया। तो सपोज आपने 10 लाख रुपया किसी को दिया, आपने कहा कि कुछ गिरवी रखो, जिसको रहन कहते हैं, रहन। अब बतौर रहन गिरवी के तौर पे उसने अपना खेत आपको दिया, तो खेत दिया, ये कैसे होगा खेत दिया? ऐसे नहीं कि आप इसमें हल चलाओ। हल चलाने के लिए अगर आपको दिया है, कल को आपका पैसा वापस नहीं करेगा, आप क्या कर लेंगे? वो गिरवी होगा, वो तो जूता मार के आपको भगाएगा वहां से। आप उसकी खेत में एक कदम भी नहीं रख सकते, एक सेकंड नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर उसके नाम है। आप क्या कर लेंगे? रजिस्ट्रेशन उसके नाम है, पेपर उसके नाम है, आप उसके खेत में खड़े भी नहीं हो सकते। तो इसको रहन नहीं कहते, इसको गिरवी नहीं कहते। गिरवी ये होगा कि वो खेत बाकायदा उसके कागजात आपको दे दे, उसके पेपर्स आपको दे दे। अगर वो आपका पैसा ना लौटाए तो आप उसके खेत पे कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रूफ नहीं कर सकता है कि उसका कागजात आपके पास है, वो साबित नहीं कर सकता कि वो आपका है। तो ये समझने की कोशिश करें कि गिरवी किसको कहते हैं। अब आते हैं आपके असल सवाल पर। आपका सवाल ये है कि अगर हमने खेत गिरवी लिया है तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आपका कहना है कि सामने वाले ने जिसने खेत गिरवी रखा उसने इजाजत दे दी है और गवाहों की मौजूदगी में भी ये बात तय हो गई है, तो ये जायज है कि नहीं? तो इसका जवाब ये है कि बिल्कुल नाजायज है, ये कतन, ये सूद है, सूद, ये बिल्कुल सूद है, क्योंकि आप कर्ज पे नफा ले रहे हैं। सूद किसको कहते हैं? सूद की डेफिनेशन क्या है? कुल्लु कर्ज जर मनफातन फवर रिबा, कि हर वो कर्ज जो नफा दिलाए वो सूद है। तो आपने किसी को कोई रकम दी है और गिरवी के तौर पर वो आपको खेत दे रहा है और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जो रकम आपने दिया था उसका ये फायदा ले रहे हैं, तो ये होगा सूद। ये मामला बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारे यहाँ मुंबई में हैवी डिपॉजिट पे लोग मकान लेते हैं, यानी मालिक मकान को एक बड़ा अमाउंट, एक बड़ी रकम देते हैं, जैसे 7-8 लाख रुपया दे देते हैं। अब उसका घर ले लेते हैं और कहते हैं कि हमने जो ये पैसा दिया है ये रहन के तौर पर हमने घर लिया है, अब उसमें रहते हैं और किराया नहीं देते हैं, कहते हैं ये तो रहन है, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि ये सूद है क्योंकि जो पैसा दिया उसके बदले में ये घर उसका इस्तेमाल कर रहा है। यही मामला आपका है कि आपने किसी को पैसा दे दिया और गिरवी के तौर पर आपके पास खेत है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे फायदा उठा रहे हैं, ये हराम और नाजायज है, ये सूद है। अब आगे बढ़ते हैं। आपने जो ये कहा कि सामने वाला राजी है, गवाह मौजूद है, सब कुछ है, तो देखिए राजी हो जाने का ये मतलब नहीं होता कि ये चीज जायज है। एक लड़का और एक लड़की दोनों जिना करने पर राजी हो तो क्या जायज हो जाएगा? भाई राजी होने का ये मतलब कहां से होगा कि कोई गलत काम जायज हो जाएगा? तरफैन दोनों पार्टी अगर राजी हो जाए इसका ये मतलब नहीं कि वो चीज जायज हो जाएगी। जिनाकारी, बदकारी, इसमें लड़का और लड़की दोनों राजी हैं, दोनों खुशी से, मर्जी से एक दूसरे के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बना रहे हैं, तो क्या कहेंगे जायज है? ये रैप नहीं, इसलिए जायज है? लड़का रैप थोड़ी कर रहा है, वो तो दोनों राजी हैं, तो दुनिया वाले इसको कह सकते हैं कि जायज है, इस्लाम इसको जायज नहीं मानता, गरचे दोनों राजी हो, क्योंकि ये काम हराम है। यही मामला सूद का है। सूद में गरचे दोनों पार्टी राजी हो, जायज नहीं होता है। सूद में क्या होता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो सूद दिया जाता था, क्या दोनों राजी नहीं होते थे? देने वाला भी राजी, लेने वाला भी राजी, लेकिन फिर भी इस्लाम ने कहा हराम, ये नाजायज है। तो ये बेकार की बात है कि दोनों राजी हैं। राजी होने से फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी हराम काम, कोई भी क्राइम, इसलिए वो ठीक नहीं हो जाएगा कि दोनों लोग जो है राजी हैं। तो सूद का मतलब ये है, सूद में अगर तरफेन राजी हो उनके राजी होने से कुछ नहीं होता। और आपने कहा गवाह भी मौजूद है, गवाह भी मौजूद है तो भी कोई मसला नहीं है। देखिए सूद के बारे में खुद सुनन नसाई की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कहा अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर, खिलाने वाले पर, और जो इसके लिए गवाही देता है उस पर भी अल्लाह ताला की लानत हो, और जो लिखा पढ़ी करता उस पर भी अल्लाह ताला की लानत हो। और आपने ये सारी चीजें यहाँ बयान कर दी। आप कहते हैं कि खेत गिरवी में लिया हूं,
और ये एग्रीमेंट हुआ यानी लिखा पढ़ी हुआ है कि आप उसको इस्तेमाल करेंगे और सामने वाला राजी है और गवाही भी मौजूद है, ये तो सबके सब लानती हो गए। आपकी इस डील में, आपके इस एग्रीमेंट में जो जो जुड़ा, आप और जिसको आपने पैसा दिया वो, और जो लोग गवाह बने वो, और जिन लोगों ने लिखा पढ़ी के सब के सब वो लोग हैं जिन पर अल्लाह के नबी ने लानत भेजी है कि अल्लाह ताला की लानत हो सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, उसको लिखने वाले पर, उस पर गवाह बनने वाले पर। तो ये सरासर सूद है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। उम्मीद है कि आपको ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें। iPlus TV को जरूर डोनेट करें।